रामपुर में तनाव के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा और सील की गई जिले की सीमाएं। यूपी के रामपुर में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध के बाद ईदगाह जा रही भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ को रोक रहे पुलिस वालों पर भी भीड़ ने हमला बोल दिया। पुलिस की आधा दर्जन बाइक जलाई गई, साथ ही 4 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। यही नहीं, एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हुई, जिसकी वजह तलाशी जा रही है। इस घटना में पुलिस पर पथराव भी हुआ। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े पर लाठीचार्ज भी किया। दोनों ओर से फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस ने रबड़ की गोलियां भी दागी। फायरिंग के दौरान फैज नामक युवक को गोली भी लगी थी, जिसे जिला अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। बेकाबू भीड़ को देखकर जिले में सुरक्षा बढ़ाई गई और तनाव को कंट्रोल किया गया। वहीं रामपुर में जिले की सभी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक अविनाश चंद्रा बरेली जोन से बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से जिले भर की सीमाओं को सील कर दिया गया है, साथ ही यहां पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। कहा कि जिले में किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री ना हो, इसके लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इस तरह पीस रिस्टोर हो गई है, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हम लोग एहतियात कर रहे हैं। पैदल खर्च करके कई जगह दसियों जगह रुक करके हम लोगों ने संवाद किया जी, और लोगों को पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है। हम आपके माध्यम से सबको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी निर्दोष को पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग खुराफाती तत्व हैं या जिन्होंने खुराफात किया है, उनको बख्शा भी नहीं जाएगा, और हम लोग जो सही व्यक्ति हैं जिन्होंने खुराफात किया है उनको पकड़ के बंद करेंगे। लेकिन साथ ही साथ सबसे ये भी अनुरोध है कि पीस बनाए रखें, आपसी भाईचारा संयम बनाए रखें, किसी भी दशा में पीस को डिस्टर्ब ना होने दें। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया अभी तक? कई सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनको वेरीफाई किया जा रहा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट क्या था। जब हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं तभी उनके खिलाफ। अच्छा, FIR कितने लोगों के खिलाफ है सर? पुलिस को प्रोटेक्शन दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है क्या? उनके इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए तब कार्रवाई होगी मेरिट के आधार पर। FIR कितने लोगों के खिलाफ की गई है? FIR कुछ लोग नामजद किए गए, कुछ लोग अज्ञात हैं, उसमें 100+ नेम्ड हैं और फिर बाकी अज्ञात हैं। और संख्या कितनी मानी जाए सर? डबली वेरीफाई करके रीश्योर होने के बाद तभी कार्रवाई करेंगे। नागरिकों को किसी भी तरह का संशय डाउट नहीं होना चाहिए कि पुलिस उनके खिलाफ उत्पीड़न का कार्रवाई करेगी। उनको हम लोग बिल्कुल फुल प्रोटेक्शन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम पब्लिक एक साथ हैं और उनके हितों की हम लोग रक्षा करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जो खुराफाती तत्व हैं, अगर उन्होंने खुराफात करने की चेष्टा किया तो उनको बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जानना चाहेंगे आप? तो FIR दर्ज हुई है थाना कोतवाली और थाना गंज क्षेत्र यहाँ पे, और इसमें 110 के करीब लोग नामजद किए गए हैं, बाकी अज्ञात में काफ़ी संख्या है। कितनी संख्या सर अज्ञात की? अज्ञात में काफ़ी संख्या, सैकड़ों में है। 4,000, 2,000, 1,000? अभी मतलब उसको एग्जैक्ट संख्या नहीं खोली गई, क्योंकि वहाँ पर संख्या नहीं गिनी गई थी, लेकिन 1,000 के करीब संख्या है उसमें अज्ञात में। और बाकी जो फोटो वगैरह वीडियोग्राफ हमारे पास सभी मिले हैं, कई सी फुटेज मिले हैं, इसमें काफ़ी लड़कों की पहचान हो रही है। इसमें काफ़ी ज़्यादातर लड़के ऐसे हैं जो 16 साल, 18 साल, 15 साल इस एज ग्रुप के भी हैं। खासतौर पे जो फ्रंट पे जिनको रखा गया था उसमें सर भारी भी हैं, जिसको सुनियोजित तरीके से, जो प्रतीक हो रहा है कि सुनियोजित तरीके से तंत्र के तहत ये किया गया था इसको ऑर्गेनाइज, एंड काफ़ी इसमें अभी लोगों को कस्टडी में लिया गया, 30 से ज़्यादा लोग कस्टडी में हैं फिलहाल, और उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इसका जो बाकी गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित कराई जाएंगी। और पब्लिक के माध्यम से जो हमारे पास फुटेज अवेलेबल है उसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जल्दी बाकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। हिरासत में कितने बता रहे हैं सर? 30+ लोग ऐसे हैं जो अभी कस्टडी में हिरासत में।